गुरु अमरदास जी से सिखों ने सवाल किया, पाशाह परोपकार के बारे में बताइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी से सवाल किया कि आप तरीका बताओ जीने का, जीवन जीने का तरीका, जीवन जांच लिखा है। तो गुरु अमरदास जी कहने लगे परोपकार तीन प्रकार के होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले अपनी समर्था द्वारा, जितनी समर्था है, जितनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से किसी की मदद करना, पर वापस लेने की इच्छा नहीं रखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मदद करके भूल जाना, दान दे कुएं में डाल, कहते हैं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर देकर वापस लेने की इच्छा है वो व्यापार है, वो उपकार और परोपकार नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परोपकार क्या है? जो तेरी समर्था है किसी की मदद करना यथाशक्ति। गुरु अमरदास जी के वचन, दास बहुत शॉर्ट भी ले रहे हैं यहाँ पर। दूसरा वचन किया, वचनों द्वारा परोपकार। अब ये सोचेंगे वचनों द्वारा कैसे परोपकार होता है, बोल द्वारा, बोलने द्वारा। कहने लगे जब दो लोगों में झगड़ा होता है, आप पॉइंट नोट करना, गुरु अमरदास जी ने कितनी गहरी बात की। जब दो लोगों में झगड़ा होता है, झगड़ा के कारण ज़्यादा करके गलतफहमी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई बीच का आदमी होता है जो गलतफहमी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से दो लोगों में दूरी बढ़ जाती है। कोई बीच में तीसरा होता ही होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कान भरते हैं लोग, उसे कहते हैं निंदक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निंदक तोड़ता है। कहते वचनों द्वारा परोपकार क्या है? जोर देना। वही बात है, एक आदमी कहेगा ये बहुत बुरा है, ये तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, आदमी के मन में भय आ जाता है कि मेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, दूरी बढ़ जाती है। यह है निंदा, ये तोड़ देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मुझे पता चल गया इन दोनों में झगड़ा है, और मैं इसे कह रहा हूँ ये तेरी बहुत तारीफ करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो तेरे बारे में बहुत अच्छा बोलता है, इसके मन में भले ख्याल आएंगे। इसे भी मैं यही कहूँगा कि ये तेरे बारे में बहुत भला बोलता है, चाहे ना भी बोलता हो, ये झूठ नहीं है, ये झूठ सच के बराबर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बल्कि सच से बड़ा है, क्योंकि दो लोगों को जोड़ रहा है। गुरु अमरदास जी कहने लगे परोपकार है वचनों द्वारा, कि दो टूटे हुए को जोड़ देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी मर्जी है तोड़ना है कि जोड़ना है, दो बोल ही होते हैं, और ज़्यादातर हम सब तोड़ने में लगे रहते हैं, जोड़ता कोई विरला है, इसीलिए तो जन परोपकारी आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में भावना ये हो कि इन दोनों में झगड़ा है, ठीक कैसे कराएं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे होगा ठीक? जब कोई बीच में ठीक आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, वो परोपकार हो गया उसका। पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, 100 लोग आएंगे तलाक कराने वाले, कोई विरला होगा समझदार जो कहेगा नहीं बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, जो बना दे परोपकार है, उसको कोई लेना देना नहीं है उससे, पर परोपकार है, दोनों दो लोगों में प्रेम हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचनों द्वारा परोपकार। तीसरा गुरु अमरदास जी कहने लगे ज्ञान द्वारा परोपकार। हर एक के पास, जैसे पहले ही कहा, कोई ना कोई कला होती है। किसी की क्लासेस है, ट्यूशन पढ़ाता है, गरीब बच्चे आ जाए मुफ्त में पढ़ा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अपना ज्ञान दे रहा है पर उसके बदले कुछ ले नहीं रहा, ये परोपकार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता है फीस नहीं दे सकता, कोई डेंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, ठीक है अमीरों से तू पैसे ले रहा है, गरीबों के कम से कम छोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीबों को नहीं छोड़ रहा तू, तू डॉक्टर क्या, तू इंसानियत के काबिल नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज क्या हालत है हमारी, हॉस्पिटल में जाओ लूटने के लिए तैयार बैठे। एक अभी मेरे दोस्त का बेटा हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, 2 दिन में, बहुत गरीब है, 2 दिन में 70-80 हज़ार का बिल बना दिया हॉस्पिटल ने, और किया कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने फ़ोन करके अपने पहचान वाले किसी डॉक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहाँ पे सिर्फ 1 दिन का 4,000 रुपये लिया गया उनसे, वो वहाँ पे 40,000 ले रहे थे 1 दिन का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब डॉक्टर वो भी है, डॉक्टर ये भी है, इसने परोपकार किया, अपनी फीस छोड़ दी, सारे पैसे बचवा के उसका इलाज किया, और वो लूटने में लगे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दोनों में फ़र्क पता क्या है? एक सत्संग में आते हैं यहाँ पर, और एक नहीं आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कैसे बदलाव आया, कैसे ज्ञान मिला कि नहीं मुझे यहाँ पैसे नहीं कमाने हैं, गरीब है, गुरु की कृपा वो वर्ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो दास बार बार विनती करता है माताओं को, बच्चों को सोने मत दो, लेकर आओ, ज़रूर लेकर आओ,
दुनियावी पढ़ाई किसी काम की नहीं, अगर साथ में परमार्थ की कमाई नहीं है तो वो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन भी गए तो ऐसे पुल बनाएंगे जो टूटेंगे रिश्वत खा के, ऐसे इलाज करेंगे जो लोग मरेंगे या लूटेंगे लोगों को, क्या फ़ायदा डॉक्टर इंजीनियर बन के अगर ऐसा ही करना है तो। सही बात तो ये है, ऐसे बने कि गरीबों का मुफ्त इलाज करें, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो तभी हो पाएगा। नहीं तो बाणी कहती है पढ़िया मूर्ख आके जिस लब लोभ अहंकारा, वो मूर्ख है पढ़ा लिखा जिसके अंदर लालच है, अहंकार है अपनी विद्या का और लालच उससे भरा पड़ा है, वो मूर्ख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ गुरु को अरदास करें पाछा, हम इतने बड़े परोपकारी संतों जैसे नहीं बन सकते बाबा आनंद सिंह जी जैसे, पर तरस कर हमारे अंदर उपकार की परोपकार की भावना जगा, हम पहले अपने आप पे उपकार करें, नाम जपें, अमृत वेला संभालें, फिर दूसरों को जोड़ें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।